आज मैं बनाने वाली हूँ स्टफ़ होल व्हीट गार्लिक ब्रेड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं होल व्हीट गार्लिक ब्रेड बनाने वाली हूँ, जिसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है। आप इजीली इसको घर में बना सकते हैं बहुत ही कम पैसों में, और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, और ये बहुत उतनी ही टेस्टी होती है जितनी डोमिनोज की गार्लिक ब्रेड होती है, और ये हेल्दी भी है क्योंकि ये आटे से बनी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं एक कप आटा लूँगी, जो आप घर में यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। हाफ टीस्पून मैं चीनी डालूँगी इसमें, साथ ही साथ मैं इसमें डालूँगी हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 बेकिंग सोडा और हाफ टीस्पून सॉल्ट, और अब इसमें जाएगा 2 चम्मच दही। और इसके साथ जाएगा 2 चम्मच ऑलिव ऑयल। अब इसको हल्के हाथों से, जो पानी इसके साथ यूज़ करेंगे वो गर्म पानी यूज़ करेंगे, ठंडा पानी नहीं लेना है। और आटा जितना सॉफ्ट होगा उतना ही गार्लिक ब्रेड सॉफ्ट और अच्छी बनेगी। 1 चम्मच ऑयल लगा के एक कम से कम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट कराएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए हम इसको छोड़ सकते हैं। अब ये डो हमारा तैयार हो चुका है, अब कम से कम 1 मिनट तक मैं इसको थोड़ा सा नीट करूँगी। अगर ये हाथ में चिपके तो थोड़ा सा ऑयल लगा ले। चलिए स्टार्ट करते हैं पराना। सबसे पहले डो को 2 हिस्से में कट करेंगे। अब थोड़ा सा सुखाटा डस्ट करेंगे। उसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसको बेलने से गोल बेलेंगे। अब ये बेल चुकी है। अब मैंने बटर में गार्लिक को कद्दूकस किया, उसमें चिली फ्लेक्स डाली, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया। अब इसको स्प्रेड करेंगे अपनी बिली हुई रोटी में। मोज़रेला चीज़, अब जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर पिंच, वन पिंच सॉल्ट जाएगा, अब इसको कवर कर देंगे और अच्छे से सील कर देंगे। गैस पे एक कढ़ाई या पैन रखेंगे और उसको मीडियम फ्लेम पे गर्म होने देंगे। अब इस पर हल्का सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और यही बटर वाला मिक्सचर स्प्रेड करेंगे अच्छे से। इसी बटर को पैन में या कढ़ाई में, जिसमें भी आप बना रहे हैं, उस पर भी अच्छे से फैला देंगे ताकि नीचे भी अच्छे से फ्लेवर आ जाए। अब हल्के हल्के कट्स लगाएंगे इस पर, पूरा कट नहीं करना है, बस बाद में जिससे कटने में आसानी रहे इतना ही कट लगाना है। अब ये बेकिंग के लिए रेडी है, पैन भी हमारा गर्म हो चुका है, उस पर मैंने अच्छे से बटर लगा दिया है। अब इसको बेक करते हैं। अब 10 मिनट के लिए इसको ढककर पकाएंगे। फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो पे कर देंगे।